कश्मीर में अचानक 10,000 जवानों की तैनाती के फैसले के बाद हलचल तेज हो गई है। आम लोगों से सियासतदानों तक यही चर्चा हो रही है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। 25 जुलाई को गृह मंत्रालय ने अचानक 10,000 जवान कश्मीर भेजने का फैसला लिया और 28 जुलाई को कश्मीर में NIA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के ताबड़तोड़ छापे शुरू हो गए। रविवार सुबह को NIA की टीमों ने बारामूला जिले में 4 जगहों पर छापेमारी की। चारों घरों में जिन पे छापेमारी हुई है, माना जा रहा है कि उनका संबंध LOC ट्रेड से है, क्योंकि श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच में जो ट्रेड हो रहा था उस पर NIA ने कार्रवाई पिछले 2 साल से शुरू की है, जिसको लेकर टेरर फंडिंग के तहत कई सारे लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर दिया गया है, जिनमें हुर्रियत नेताओं के साथ साथ कई सारे LOC ट्रेड व्यापारी जो हैं वो भी शामिल हैं। कई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए NIA ने उन्हें पहले ही तिहाड़ जेल में बंद रखा है, लेकिन पिछले 1 महीने से उत्तरी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर दोनों जगहों पर NIA की कार्रवाइयां जारी हैं। जो 4 लोग जिनके घरों पर आज छापेमारी हुई है, उनमें से एक जिला अध्यक्ष पीपल्स कॉन्फ्रेंस का है और सज्जाद लोन का करीबी माना जा रहा है। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। PDP की नेता महबूबा मुफ्ती ने फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नेशनल यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को लाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है, इससे लोगों के दिलों में बहुत ही जो है शकूक पैदा हुए हैं। पूर्व IAS अधिकारी और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष शाह फैजल तो महबूबा मुफ्ती से भी ज्यादा डरे हुए हैं, जिसका पता उनके इस ट्वीट से चलता है। घाटी में अचानक सुरक्षा बलों की 100 से अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती क्यों हो रही है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इस बात की अफवाह है कि घाटी में कुछ बड़ा भयानक होने वाला है। क्या यह अनुच्छेद 35A को लेकर है? गृह मंत्रालय का यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की 2 दिवसीय कश्मीर यात्रा के बाद आया, जिसमें डोभाल ने कश्मीर में सुरक्षा और खुफिया एजेंसी के टॉप अफसरों के साथ अलग अलग बैठक की थी, जिनके आधार पर कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाए जाने पर फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के पीछे ये मुख्य बिंदु छुपे हुए हैं। पहला, आतंकी गतिविधि को लेकर सुरक्षा एजेंसी की जानकारी। दूसरा, जम्मू कश्मीर के बड़े विरोधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में अड़चन न हो, जैसे टेरर फंडिंग को लेकर NIA ने छापेमारी शुरू कर दी है। साथ ही बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35A को भी हटा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 35A के विरोध को लेकर हिंसा या राज्य की शांति भंग होने का प्रयास हो सकता है। इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष और स्वायत्त राज्य का दर्जा मिला हुआ है। कश्मीर को लेकर कुछ महीने पहले अरुण जेटली ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 35A संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण है और राज्य के आर्थिक विकास की राह में रोड़ा बना हुआ है। कश्मीर से 35A को हटाया जाएगा, इसकी कोई आधिकारिक